भाई फाइनली अपना जो गूगल एडसेंस का पिन है भाई वो आ चुका है। ये तो भाई जब हमारी पेमेंट आती है ना तो भाई यूट्यूब देता है गूगल एडसेंस को पेमेंट, तो भाई कदर देख के कदर मचा देंगे आज। सनी देओल का टोटा ये लेकर ये उठाए, कैसे आजादी दिलाओगे तो? हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और भाई सुबह के बज रहे देख लो 8 बजने वाले हैं और भाई इनको जा रहा हूँ स्कूल छोड़ने। दो बंदा रहना अपने घर में, एक तो चुप बैठा है, देखिए शकल, देखिए यार गब्बू साली पीछे हो ना उसकी शकल देखो, वो तो भाई चुप बैठा, उसका मन नहीं करता स्कूल स्कूल जाने का, वो तो सोचता है घर ही मजे लू है ऐसा नहीं। तो क्या शराब है फालतू, कोई ऐसी की तो बात भी नहीं हुई अभी, तो क्यों शराब भाई फिलहाल। और भाई बारिश का मौसम हो रहा तगड़ा, मुझे लगता है भाई बारिश आएगी आज बहुत तगड़ी। अगर अपना ऐसे मौसम रहा ना भाई मतलब 11 बजे तक या 12 बजे तक तो भाई पतंग उड़ाएंगे आज, क्योंकि आज जो मौसम है ना भाई एक नंबर का मौसम है। इस मौसम में आता है सबसे ज्यादा मजा पतंग उड़ाने में। हाँ जब तुमको मैं स्कूल से लाऊंगा ना तो तब घर आके पतंग उड़ाएंगे, ये मैं ये कह रहा हूँ। तो भाई सानवी कबीर छोड़ दिया स्कूल और अब निकल रहे भाई घर, और भाई गाड़ी बैक करनी हो रही है भारी, क्योंकि इन स्कूल वालों की ना पार्किंग नहीं है। देखो अब कहाँ मोड़ लूँ ऐसे, बिल्कुल टच देख रहे, पूरी भरी पड़ी है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लो, कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करने कोई जगह नहीं है। गाड़ी खड़ी करे तो कहाँ करे। बारिश होगी स्टार्ट, सानवी और कबीर को स्कूल से छोड़ के आ रहे थे ना भाई, तब अभी तो मंदी बंदी है, थोड़ी धीमे धीमे ही पड़ रही है अभी, तो भाई थोड़ी तेज पड़ जाएगी ना वो मजा सा आ जाएगा, क्योंकि है ना काफी दिन से यार बहुत गर्मी सी और वो चीज हो रही है भाई, काफी दिन से इतनी गर्मी का मौसम नहीं है, इतनी गर्मी हो रही थी, तो बारिश हो जाएगी ना थोड़ी तो गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी है ना। चीज और बताऊं भाई अपने कुछ एक दो महीने की और है गर्मी, फिर ये खत्म ही हो जाएंगी। ये देखो भाई ट्रक वालों को देखो एकदम से रोड में घुसा देते भाई ये, लाइन भी देखो भाई। तो भाई घर पहुंचते हैं और अपने गांव में देखते हैं बारिश हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि कुछ दिनों से ना ये सीन भी चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बारिश होती रहती है और अपने गांव में भाई बारिश नहीं पड़ती, पता नहीं क्यों। तो एक बार अपने गांव में देखते हैं, क्या पता यहाँ से तगड़ी पड़ रही हो है ना, तो एक बार वहीं देखेंगे कैसी है, तगड़ी पड़ रही होगी तो भाई मजा आ जाएगा। नहाने का टाइम तो नहीं है भाई अब ये, क्योंकि अब नहाएंगे ना तो बीमार हो जाएंगे, ये नहाने वाली बारिश नहीं है। नहाने वाली बारिश वो होती तो हम अपने नहाए थे, मैंने अपना ब्लॉग भी डाला था है ना, वो टाइम था नहाने का, ये टाइम नहाने का नहीं है। अगर इसमें नहाएंगे ना भाई तो बीमार हो जाएंगे 100%, फीवर हो जाएगा। फीवर तो भाई आजकल एक चल भी रहा है हाई फीवर नाम से, वो एक वायरस आ गया ना, झूठ है सच है पता नहीं, पर फीवर तो देखो हो रहे काफी, पर वही वाला फीवर है ये पता नहीं। भाई अपने गाँव में नहीं हो रही बारिश बिल्कुल भी, वही थोड़ी बहुत बूंदा बांदी जो होती है बस वही हो रही है, अपने रोड गीले हो रहे है और नहीं हो रहा कुछ भी। ये पता नहीं भाई क्या सिस्टम है यार, अपने गांव में बारिश ही नहीं हो रही भाई। वैसे यहाँ पे देख रहे हो कितने पेड़ है भाई, यहाँ पे पेड़ ही पेड़ भरे पड़ेगा, इतना भरा जंगल है यहाँ पे, पर पता नहीं जब भी क्यों यहाँ पे बारिश नहीं होती है ना। वैसे बोलते हैं ना जहाँ पे ज्यादा पेड़ होते हैं वहीं पे बारिश ज्यादा होती है, तो भाई अपने एरिया के सबसे ज्यादा पेड़ यहीं पे होंगे, बट बारिश नहीं होती तब भी यहाँ पे। अब ये पता नहीं क्यों नहीं होती, ये जाने भगवान ही है ना, देखते भाई वेट करते अपना 11-12 बजे तक तगड़ी पड़ जाए तो ठीक है, वरना मौसम तो ही रहा है ठीक पतंग उड़ाने लायक, अपना बढ़िया पतंग उड़ाएंगे हम है ना। सही है भैया आइसक्रीम टेस्टी है, और तेरी कब्बू बढ़िया है मजे आ रहे है, और मेरी कहाँ है ओके अपनी भाई एरी। तो भाई वैसे तो मैं चॉकलेट वॉकलेट खाता नहीं हूँ, पर जब यही जिद करते है ना तभी मैं भी सोच लेता हूँ यार कि एक दो ले ले हम भी है ना। क्या जब हाँ ये वाली भी हाँ।
तो भाई कबीर और सानवी बोल रहे थे कि हमको खानी है चाचू चॉकलेट सॉरी हमें खानी है चाचू आइसक्रीम। तो मैंने कि भाई आइसक्रीम खिला देते, भाई इनका डेली का खर्चा अपना 400-500 रुपये डेली के उड़ाते, डेली के है ना भाई 400-500 से उड़ा देते हो गए डेली। अच्छा भाई ऐसा 400-500 रुपये डेली उड़वाओगे फिर कैसे बात बनेगी भाई हैं? फिर तो तुम बहुत महंगे पड़ रहे हो हमको है, 3 लाख रुपए तुम्हारे साल के जाते हैं स्कूल के है भाई, और 15,000 तुम्हारे महीने का खर्चा चॉकलेट वॉकलेट खाने का, तुम तो बहुत महंगे पड़ रहे हो स्कूल। फिर तो तुम मुझे लग रहा है उसमें भेजने पड़ोगे अपने जो पीछे है ना घर के पीछे सरकारी स्कूल है उसमें एडमिशन करवा दो तुम दोनों का। टूटा पड़ा भैंस स्कूल ले लिया ना, टूट रहा नहीं है वो नया बनेगा अब और उसमें, और तुम्हें पता है सरकारी वो भी आता है राशन सरकार की साइड से, अगर झूला हुआ तो ठीक है, झूला नहीं उसमें सरकारी राशन भी आता है, उसमें पता क्या क्या आते हैं, उसमें आते हैं दलिया खीर खिचड़ी पनीर की सब्जी रोटी, हर दिन अलग अलग खाने आते हैं बढ़िया बढ़िया है ना, और घर के पीछे अपने ज्यादा दूर भी नहीं, खुद ही चले जा करोगे खुद ही आ जा करोगे, गाड़ी का तेल भी बचेगा है ना, पढ़ोगे तुम जब भी इतने ही और अब भी इतने ही है ना भाई, ऐसा ही है ना, पढ़ने वाले हुए तो तब भी उतने ही पढ़ोगे और यहाँ पे लाऊंगा गुड़गांव तब भी इतने ही पढ़ोगे है ना भाई। तो करा दूं तुम्हारे पीछे एडमिशन करा दूं सरकारी में है गब्बू, तेरा करवा तू सारे स्कूल ही लो जाएगा तू भाई, तू बहुत तेज है, तू बहुत तेज बन रहा आजकल, तू स्कूल ही ना जाएगा, स्कूल तो भाग जा करेगा घर है ना। तो भाई टूल पे होगी लड़ाई, ये देखो भाई तो भाई दो बंदर देख लो कैसे बैठे अपने मौज मस्ती कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं कार्टून देख रहे हैं, कौन सा कार्टून है रे देख इधर देख ओ गधे, कौन सा कार्टून देख रहा है तू, ये देखो भाई। तो भाई ना काफी दिन से बहुत इंतजार था इसका, क्योंकि इसकी वजह से ना हमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, पूरी डिटेल इसकी घर बताऊंगा ठीक है, अभी घर चलते हैं और घर जाके फिर इसका भाई सारा काम और क्या ये चीज है और क्या ये यूज में आती है सब कुछ भाई घर बताऊंगा ठीक है। तो भाई अभी निकलते हैं घर और घर पहुंच के फिर करते हैं भाई इसका रिव्यू। और भाई मौसम चेक करो कितना तगड़ा रहा, बिल्कुल जीरो पॉल्यूशन है फिलहाल, जीरो पॉल्यूशन है और कोई धूप नहीं कुछ नहीं है ना, कोई धूल मिट्टी कुछ भी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल मजे आ रहे भाई। बुलेट से गए थे 70 की स्पीड, 70 की होगी भाई, 80 की तो नहीं थी भाई पर 70-80 यहाँ इतने में गए थे ठीक है। तो भाई घर पहुँचते अब जल्दी, और रेस दे भाई और दे और गंदी बात भाई है सर इस मत देख रहा है। हसे मेरे वेख बुला तो किरे दे थोड़ी थलो होके जुन्नी आउंदी सिर ते, हर गुस्ताखी तेरी माफ कर दूं जिन्नी नाल गिले सारे साफ कर दूं, फिक्के ना पसंदे हुन पावा कुड़ियां खब्बे गुट्टे विच जट्टा बारा जुड़ियां, चांदी दियां चाजरां वखावां जान के तेरी आंदी अट्टियां हलावां जान के, गीतां विच जिहड़ा मैनू खास लिखदे कदे कदे गिफ्टी रोमांस लिखदे चैन मेरा नहीं चुराउणा लगदे। भाई आज हो गया day 2 और अपना जो भाई गूगल एडसेंस का जो पिन है वो ये रहा ठीक है, इसके बारे में अभी तुम्हें बताऊंगा, बता देता हूँ भाई नहा धो के हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, आज जा रहे भाई मूवी देखने गदर ठीक है, अपने समीर आ रहा है उसकी कॉल मेरे पास आ गई है ठीक है, गदर फिल्म देखने जा रहे भाई देखते कैसी है। भाई एक दो दोस्त भी गए थे देखने वो बता रहे थे भाई बढ़िया है, तो भाई आज हम भी देख के आएंगे कैसी है। तो भाई अपना जो गूगल एडसेंस का जो पिन है इसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ ये क्या है, किस यूज में मतलब आता है और क्या ये चीज़ है ठीक है। तो भाई ये होता है गूगल एडसेंस का पिन ठीक है, इसके अंदर होते भाई 6 डिजिट के नंबर होते हैं, ये देखो ये होते भाई, ये होता है भाई एडसेंस का पिन ठीक है। अब तुम सोच रहे हो भाई ये एडसेंस क्या होता है और क्या इनका पिन होता है, तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, तो भाई अब तुम सोच रहे हो क्या भाई ये गूगल एडसेंस होता है और क्या ये पिन होता है, तो भाई मैं तुम्हें बता दूं
जब अपना YouTube चैनल मोनोटाइज होता है ना भाई, तो उसके बाद भाई ये इससे कनेक्ट होता है Google AdSense से, ठीक है। ये Google की साइड होती है, ठीक है, इससे कनेक्ट होता है। तो भाई जब हमारी पेमेंट आती है ना भाई, YouTube देता है Google AdSense को पेमेंट, ठीक है, Google AdSense देता है फिर हमको पेमेंट। और जो ये पिन था, ये था भाई वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। जब अपना इसमें ना काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और एड्रेस वगैरह लगते हैं, ठीक है, फुल नेम लगते हैं, जीमेल आईडी लगती है, इन सबको लगने के बाद तो भाई फिर आता है अपने एड्रेस पे ये पिन, ठीक है। ये पिन है जो मैं तुम्हें दिखा दूँ, 6 डिजिट के नंबर दिख रहे हैं, तो भाई ये भरने पड़ते हैं एड्रेस के अंदर, फिर अपना एड्रेस भी वेरिफिकेशन हो जाता है। तो भाई ये चीज़ होती है और भाई ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने जब ये फर्स्ट बार करी थी ना, तब तो भाई ये आया नहीं था, ठीक है। सेकंड बार जब मैंने किया था तो भाई ये तब मेरे को आया था, और मैंने कल ही कॉल की थी उनको और कल ही आया था ये, वो बोल रहा था भाई कि आज ही आया है, ठीक है, और आज आके अपना ले जाओ। तो भाई मैं तुम्हें बता दूँ, अगर इसके ना 3 चांस होते हैं, अगर तीनों चांस में अगर ये नहीं आया ना, तो भाई फिर ना भसड़ हो जाती बहुत बड़ी, अपना जो अकाउंट है ना उसकी पेमेंट होल्ड हो जाती बहुत दिनों के लिए, ठीक है। और उसके बाद भाई घूमते फिरो इधर उधर, अपना ढूंढते डोलो, फिर मतलब एड्रेस वेरीफाई नहीं होता, एड्रेस वेरीफाई नहीं होगा तो हमारी पेमेंट है जो वो अकाउंट में हमारे नहीं आएगी, ठीक है। अकाउंट में हमारी यही डालती है ना, गूगल एडसेंस वाले अकाउंट में डालती है, तो अगर अपना एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर हमारी पेमेंट होल्ड हो जाती भाई, और फिर वो अपने अकाउंट में नहीं आती। तो भाई कल ही अपना पिन डाल दिया था मैंने, और भाई अपना एड्रेस वेरीफाई हो चुका है। अब रह रहा भाई अपना बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट मेरा है तो सही, पर वो है महिंद्रा कोटक में, मैं खुलाने की सोच रहा हूँ HDFC में। HDFC की अच्छी पॉलिसी होती है और वो मेरे थोड़े नियर में भी है, ठीक है। जो महिंद्रा कोटक है ना वो मेरे को थोड़ा दूर पड़ता है, तो मैं सोच रहा हूँ अपना HDFC में खुला लेते हैं। कोई भी अपना काम होगा थोड़ा बहुत, कोई भी दिक्कत होगी अपने अकाउंट में, तो जल्दी से जाके करा लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ भाई अपने पेमेंट के लिए अच्छा अकाउंट खुलाए, तो HDFC में मैं खुलाने की सोच रहा हूँ। पर उससे पहले भाई जा रहे हैं हम आज मूवी देखने, Gadar 2 मूवी आई है। मेरे दोस्त का फ़ोन आया भाई कि मूवी देखने चल रहे हैं समीर का, तो वो आ रहा है बाहर अभी 5 मिनट में, और राघव को बोल दिया है, राघव भी आपको मिल जाएगा आज, ठीक है। और फिर जा रहे भाई अपने गदर मूवी देखने, तो मैं दिखाऊंगा मतलब कैसी है मूवी, मतलब कुछ कुछ क्लिप दिखाऊंगा, वैसे कॉपीराइट लग जाता है, कुछ कुछ क्लिप दिखाऊंगा और बाद में मतलब रिव्यू दे दूंगा उसका, कैसी थी मूवी, बढ़िया थी और किस चीज़ के ऊपर थी, जो भी सिस्टम सार बता दूंगा, ठीक है भाई। तो भाई अभी निकल रहे हैं, समीर आ रहा है और समीर को लेके, और फिर उठाएंगे राघव को और फिर निकल जाएंगे भाई फरीदाबाद पीयूष महिंद्रा मॉल में, ठीक है, मूवी देखने। और भाई तुम्हें एक और बता दूं, मैं हम ले जा रहे हैं भाई बुलेट, क्योंकि समीर के पास बाइक है नहीं अभी, और हम लेके जा रहे हैं बुलेट को, क्योंकि बुलेट पे भाई मज़ा आता है, सच बताऊं अपना हाईवे पे चलाने में ना भाई बुलेट को बहुत तगड़ा मज़ा आता है। और जब 3 बंदे बैठ के भाई चलते हैं ना बुलेट पे, अलग ही लेवल मज़ा आता है, सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट सी और भाई बहुत बढ़िया भगती है, मतलब तगड़ा मज़ा आता है हाईवे पर चलाने में। क्योंकि जो अपना मॉल पड़ेगा ना, वो भाई सीधा डायरेक्ट हाईवे पर पड़ेगा, अपना गांव से निकलते ही 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर का भाई हाईवे ही हाईवे है, सीधा पहुंचेंगे बढ़िया। उसकी टंकी फुल करवा दूंगा आज, क्योंकि अपनी अब यूट्यूब की इनकम आने लगेगी ना, खुशी अलग लेवल की खुशी, मुझसे ज़्यादा इनको खुशी, भाई अपनी यूट्यूब की पेमेंट आने लगेगी, अब खुशी है आपको, बहुत ज़्यादा खुशी है भाई। अब खर्चा करेगा दबा कर आ जाओ सर भाई, खर्चा करेगा रहेगा, खर्चा में क्या क्या होगा भाई, जो है खर्चा में क्या क्या होगा भाई, रिचार्ज कर गरीब वो तो भाई मैं अभी करता हूँ, वो तो भाई मैं अभी करता हूँ आपका रिचार्ज, कल नहीं करा, छोटा करा है अब तो, कितना करा है, इतना बड़ा रिचार्ज कर रहा हूँ भाई, पहाड़ी रख दो रिचार्ज गला के, एयरटेल केयर में लगवा दो तो भाई से कहते हैं गूगल एडसेंस, अच्छा इसमें एक पिन आती है, अच्छा एक कोड आता है, ओके उस कोड को फोन पे डालो और भाई कर दो पेमेंट आ जाएगी, कोड नोट कर लो 98 भाई अब निकल रहे हैं अपने मूवी देखने, और भाई स्वाप ही ले लिए, ठीक है, क्योंकि भाई धूप बहुत तगड़ी है ना आज। और भाई ये खड़ी अपनी बुलेट, ठीक है, अभी बुलेट बाहर खड़ी करी है, अभी निकल रहे हैं भाई, समीर की कॉल आई कम से कम 5 बार, कह रहा भाई लेट हो गया जल्दी चल। तो भाई अब निकल रहे हैं और वहीं पहुँच के और तुम्हें दिखाऊँगा थोड़ी सी मूवी दिखाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं दिखा सकते ना, उसमें कॉपीराइट की प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखा देंगे कैसी है, और बाद में तुम्हें रिव्यू बता देंगे भाई कि मूवी कैसी लगी, क्या सीन अच्छे थे क्या बुरे थे, है ना, मूवी देखने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो भाई अभी चलते हैं और राघव और समीर वेट कर रहे हैं भाई, उनको उठाते हैं, ठीक है, गड्डी फुल फुल कर दे भाई, ला भाई होगी फुल अपनी। तो भाई ये अपने मॉल पहुंच चुके हैं, देखो भाई ये पीछे की साइड है मॉल की, और ये जा रही भाई नीचे पार्किंग, बुलेट को खड़ी कर देते भाई पार्किंग में और फिर चलते हैं, है ना भाई।
ठीक है, खड़े करें भाई। ला भाई कैमरा की निगरानी आ रही, मैं खड़ी कर दी। तो भाई मॉल पहुंच चुके हैं और अभी पहुंचे नहीं है, जा रहे हैं। और ये भाई दोनों भाई, तो भाई कदर देख के कदर मचा देंगे आज। सनी देओल का टोटा ये लेकर ही उठाए। तो भाई देखेंगे कैसी मूवी और उसके बाद तो रिव्यू देंगे उसका, है ना भाई। तो भाई ये खड़ी अपनी डिस्कवरी, ये भाई ड्राइवर ले आया था चोरी से और बुलेट देगा हमें अपनी, तो कोई ना अभी लेकर चले जाएंगे यहाँ, तेल वेल भरवा देंगे, साफ सुथ कर खड़ी कर रखी वैसे। तो भाई मॉल चेक कर लो, ये मैं सोच रहा भाई सस्ते मॉल में आए हो। अभी भाई कंप्लीट नहीं हुआ मॉल, जब मॉल कंप्लीट हो जाएगा ना फिर दिखाएंगे तो मैं अपने फिर कहता है रोक दे भाई, वो पैर भिजुगो भाई। पहुंच गए कदर टू देखना है भाई, बढ़िया। ये चल रही मूवी वड्डी, वड्डो टीवी है। तो भाई मूवी तो देखो तगड़ी सही में है ना भाई, देखने लायक थी माँ कसम भाई, मूवी तो है बढ़िया। खाने में दिया होने भाई, साइड में दिया होने। तो भाई खाना फ्रेश करके और घर पहुंच के फिर बताएंगे भाई आपको मूवी कैसी लगी, है ना भाई। तो बढ़िया लगी मूवी। ओह आप तो भाई अमीर आदमी हो ना।